नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। पशुपालन में गाय को पालना कई मायनों में फायदेमंद होता है। गाय पालन के एक नहीं कई लाभ हैं, जिससे व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं तो पूरी होती है ही, साथ ही साथ आमदनी का भी एक जरिया मिल जाता है। गाय पालने की परंपरा भी हमारे हिंदू धर्म में समृद्धता की निशानी मानी जाती है। अगर आप भी गाय को पालते हैं तो आपके पास कई सारे बिजनेस करने के रास्ते खुल जाते हैं। पहला यह कि गाय का दूध बेचकर आप आमदनी कर सकते हैं। दूसरा, उसके गोबर के उपले के अलावे खाद के रूप में भी उसे बेच सकते हैं। आजकल गोबर से पेंट बनाने की भी तकनीक सामने आई है। गौमूत्र को औषधि के साथ ही खाद के तौर पर भी प्रयोग में लाया जा सकता है। गाय के उपयोग की तरह ही इसकी कीमत भी काफी महंगी होती है। इस कारण से कई लोग इसे खरीदने में असमर्थ होते हैं। मगर आपको बता दें कि बिहार सरकार गाय की खरीद पर भारी सब्सिडी दे रही है। इस सब्सिडी का लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिलेगा। और तो और, खास बात यह है कि इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया भी शुरू है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह से गौ पालन पर सब्सिडी ले सकते हैं। बिहार सरकार के पशुपालन विभाग के द्वारा समग्र गव्य विकास योजना चलाई जाती है। योजना के तहत गाय पालन करने पर ग्रामीण इलाके के लोगों को बड़ी सब्सिडी मिलती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण इलाकों के सभी वर्गों के भूमिहीन किसानों, दुग्ध उत्पादकों और शिक्षित बेरोजगार युवा युवतियों के लिए अपना रोजगार खड़ा करने का अवसर देना है, ताकि समाज में उनका आर्थिक और सामाजिक रूप से उत्थान हो सके। सरकार इस योजना से राज्य में दूध उत्पादन में वृद्धि के साथ लोगों को न्यूनतम पौष्टिक आहार यानी कि दूध की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करना चाहती है। योजना के तहत अगर आप बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन किसान हैं, ग्वाले हैं या फिर बेरोजगार युवक युवती हैं और खुद का रोजगार बनाना चाहते हैं, तो सरकार आपको 2 और 4 दुधारू गायों की इकाई स्थापित करने के लिए 50% से 75% का अनुदान देने वाली है। इसका लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 सितंबर 2021 से शुरू है और इसकी अंतिम तारीख 20 सितंबर है। इस योजना में पात्र लोगों में से EBC, SC और ST कैटेगरी के लोगों को 2 और 4 दुधारू मवेशियों की डेयरी इकाई की स्थापना करने पर 75% की सब्सिडी अनुदान मिलती है, जबकि सामान्य और OBC कैटेगरी के लोगों को 50% सब्सिडी अनुदान दिया जाता है। लाभुक गाय या भैंस दोनों खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें राज्य के अंदर पशु मेला से ही इसकी खरीदारी करनी होगी। योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करने वाले की उम्र सीमा 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप भी सारी पात्रता पूरी रखते हैं तो आपके पास आवेदन करने का सुनहरा मौका है। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट dairy.ahdbihar.in पर जाना होगा। वहां जाकर पहले आप खुद से जारी अधिसूचना को पढ़ ले। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए जरूरी सभी जानकारी को भरकर रजिस्ट्रेशन कर ले। अब दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर ले। वहां मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके फाइनल सबमिट करें और एप्लीकेशन फॉर्म की 2 प्रिंटआउट निकलवा लें। उसके बाद आवेदक अपने आवेदन पत्र को 2 प्रतियों में अपने जिला के गव्य विकास कार्यालय या फिर जिला पशुपालन कार्यालय भोजपुर, बक्सर, बेगूसराय, सहरसा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा, कैमूर, रोहतास, गया, जहानाबाद तथा खगड़िया क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक गव्य कार्यालय भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में भी दिनांक 20 सितंबर 2021 तक जमा कर सकते हैं। आपको बता दें कि आवेदन करते वक्त आप सारी बातों का ख्याल रखें और सही डॉक्यूमेंट अपलोड करें, क्योंकि अधूरे और त्रुटिपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप भी इस योजना की पात्रता रखते हैं और गाय पालन करना चाहते हैं तो भारी सब्सिडी उठाने के लिए 20 सितंबर से पहले आवेदन करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।